नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हिमानी पेज पर। आज हमारे बीच है आदरणीय विष्ट जैन कचेड़ी कुमार सेन से श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी। ये हमें बता रहे हैं कुमार सेन जागरा के बारे में कि किस तरह से जाता इसकी जाता जातर होती है और इसकी क्या विधि है, कब कब ये मेला होता है, चार वर्षों बाद ये मेला आता है, तो इसके बारे में आप विस्तृत रूप से जानेंगे आदरणीय श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी से। तो चार रथों ने वो एक दो ने है मंडोली प्रॉपर मंडोली के देवते कोटीश्वर और बूढ़ा देवता और दूसरा बड़ वो है ढूढ़सिरी है। तीसरा है और क्या कहते मृणी का देवता, मृणी देवता वो चारों देवते आएंगे, वो नाचेंगे और 4 दिन का 7 दिन का मेला होता है वो। 3 दिन में मडोली में और 4 दिन कुमारसेन में। मडो रथ सी जो चार रथ उन्हें देखते थे नाचे वो बारी बारी समझाएंगे उनको। मतलब जैसे मारे हमारा बूढ़ा देवता है और एक नाम कोटेश्वर, कोटेश्वर बोल रहे ना, मतलब जो मडोली का देवता है, दो देवते वहाँ के, एक है मृणशीर का नाम का डूढ़ सही का, एक हो गया मृणी का, चार देवते हैं नचाएंगे उनको आप अपने, जैसे आप मृणी वाले नचाएंगे, जो मर्जी नचा सकता है उसको, और कोटेश्वर को भी बूढ़े देवते को भी, कहाँ कुमार सुनो राजे के महल के मैदान में नचाया जाएगा उसको। तब तो जिस भी जो शैम्बली भी थी तब मंडोली में होगा 3 दिन का मेला, 4 दिन कुमार सुनना। जागरे बारे भी बोलो थोड़ा सा। वो कोटेश्वर का छड़ी आएगी कहाँ से, मडोली से, जब भी आएंगे वो बराड़े में जो वहाँ का मैदान है, फिर नाचेगा एक गली में देवता, वहाँ जो पूजा पाजा ठोड़ दे दे वहाँ पर होगा। उसके बाद नाटी लगनी है, शाम को वापस जाना देवता, वो जेठ महीने पहल के दिन पहले प्रविष्ट देवता पार्टी जाएगा जो वहाँ बड़ी के, ज्यादातर में मंडोली का देवता जाएगा वहाँ के लिए, कहाँ को पढ़ियूर को पहुँचेगा, गुड़ गाड़ी सेवन नहीं हो सड़ जाएगी वहाँ के लिए, सड़े बोने में गुड़ गाड़ी जाने दूसरे दिन वापस होने, कहाँ से पटीजूट से जाएगा नारकंडा, नारकंडा वहाँ नारकंडा का मेला, अपनी अपनी ठोड़े का लिया अब कंडे पर से नारकंडे के पीछे, वहाँ ठूटे का मेला भी होगा और क्या कहते हैं देवता भी आएगा, 3 दिन का मेला रहेगा वहाँ पर, कहाँ नारकंडे नहीं है। दूसरी तरह से बंड निकल, बंड बाहर निकलेगा, बाहर निकलो बंड, तब फिर दापनो, फिर वो बंड को खींचते खींचते उसको काटा जाएगा बंड को, तो वो कोई खनेटी वाले खनेटी ले जाएंगे, अगर वो जिन सिर पकड़ा वो काटा तो, अगर वो मेलन वाले ने दे गया तो मेरे में रहेगा, मैं कूट कर के जाता सारी चीज सब कूट कर ले आता मंड, हाँ मतलब जोड़ जीते हैं जिसके अंदर ताकत भी जिसने खींचा, शाम रू शाम को लगता है वो। दूसरे दिन फिर वो बंड पड़ेगा, बंड जो जो बंड को जीतेंगे खनेटी वाले जीतेंगे, खनेटी वाले ले जाएंगे और कोटगढ़ वाले जीतेंगे तो कोटगढ़ वाले ले जाएंगे, देवल में देखने की दूर है। पहले दिन
गोली गाई वो तो गोली आती कहीं से ना ऊपर से, तो 9-1 बजे नगर से देवरे फिर ठाम लगा नाच लगना जो गोली आएंगे सोडे ले सोडे सीधे गेना रे थार पर वो जो गुरु होगा ना मेटिवानो सोडे गेना थार वो कैसे हो सा मतलब जो सोने जोर दो सोने कुछ हो ना और फिर सेप निकल जाता है गेना दौड़ाना हाथ भी दूजे देर लगने कहाँ मतलब वो नीचे मैदान में जो देवते का मंदिर है ना मैदान वहाँ पर, तो सबसे जो बड़ा बुजुर्ग होगा वो नाचेगा सबसे आगे जो हम एक हकीकत जो बुजुर्ग होगा ना वो ही नाचेगा सबसे आगे हाथ में ताल नाचेगा वहाँ पर कहाँ नाटी में नाटी लगेगी बड़ी मशहूर नाटी बड़े राम तुरी होगा मजे वाले भी होंगे। तो ये तो थी जानकारी बुड्ढी दिवाली और जातर जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में कूटगढ़ कुमारसैन में होती है उनके बारे में विस्तार से हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमवाणी पेज से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।